खबर के प्रायोजक हैं मोती महल डीलक्स, सेंट्रल बैंक बिल्डिंग, सदावर्ती चौक, आजमगढ़, फ्री होम डिलीवरी अवेलेबल, गोमती ग्रामीण, निधि बैंक, रोजगार पाने का सुनहरा अवसर, रिक्त पदों के लिए बम्पर वैकेंसी, वुडन टच भवनाथ आजमगढ़, अ कम्प्लीट हार्डवेयर स्टोर और होटल पार्क ग्रीन सिधारी आजमगढ़। आजमगढ़ के कलेक्ट्रेट चौराहे पर मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री कांग्रेस के नेता राजा पटेरिया द्वारा पिछले दिनों मध्य प्रदेश में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच प्रधानमंत्री को आपत्तिजनक शब्द बोलने के मामले में आजमगढ़ की भाजपा इकाई ने विरोध किया। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट चौराहे के पास राजा पटेरिया का पुतला फूंका। इस दौरान भाजपाइयों ने आरोप लगाया कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते कांग्रेस को लग रहा है कि उस कभी सत्ता में नहीं आएगी, इसलिए वो उनकी हत्या कराने का प्रयास कर रही है। बीजेपी के पदाधिकारियों ने कहा कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिस प्रकार से हत्या के प्रयास की बात कही जा रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, इसलिए राजा पटेरिया का प्रतीकात्मक पुतला फूंका गया। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया गिरफ्तार हो गए। राजा पटेरिया ने पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी की थी। राजा पटेरिया का एक वीडियो सामने आया था, इसमें वो कथित तौर पर पीएम मोदी की हत्या की बात कहते नजर आ रहे थे। हालांकि बाद में पटेरिया अपने बयान से पलट गए थे। उन्होंने कहा था कि उनका मतलब था कि अगले चुनाव में मोदी को हराओ, इतना ही नहीं उन्होंने कहा था कि ये फ्लो में हो गया। देश के सबसे प्रधान लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने वाला ये व्यक्ति राजा पटेरिया जो पूर्व मंत्री था, इसको बोलने का तमीज भी नहीं है। एक लोकप्रिय और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी पर इस तरह के अभद्र टिप्पणी करना दुर्भाग्यपूर्ण है, जो कि लोकतंत्र में संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का इस तरीके से हत्या का प्रयास करने की बात करना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए हम लोगों ने आज आजमगढ़ में उसका राजा पटेरिया का पुतला फूंक कर वो एक प्रतिमात्मक विरोध किया है। हॉर्न छोड़ सभी कुछ बचता है रोडवेज की गाड़ी है। जी हाँ, अब ये बात पुरानी हुई। खटारा बसें, टूटे शीशे, कम लाइट, बारिश में छतों से टपकते पानी और बदहाल बस अड्डों के लिए जाने जाने वाली यूपी रोडवेज अब बदल चुकी है। बस अड्डों से लेकर रोडवेज की बसें अब लग्जरी और हाईटेक दिखेंगी। सरकारी बस में सफर भी आरामदायक होगा, साथ यात्रा के दौरान में सफर भी आरामदायक होगा। साथ ही यात्रा के दौरान ट्रेनों की तरह हर डिपो पर बसों की सफाई होती रहेगी। इसके लिए यूपी रोडवेज ने पूरे प्रदेश में बड़ा अभियान शुरू किया है। परिवहन विभाग के निर्देश पर आजमगढ़ समेत प्रदेश के सभी रीजन में रोडवेज बसों और बस अड्डों की सूरत बदलने की कवायद तेज हो गई। यात्रियों को सुखद और सेफ यात्रा का अनुभव कराने के लिए बसों को पूरी तरह से दुरुस्त किया जा रहा है। परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक के एन चौधरी ने बताया कि जिन बसों की कंडीशन ठीक है मरम्मत कर उसे सभी सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। मौसम को देखते हुए खराब बसों को लेकर सतर्कता बढ़ती जा रही है, क्योंकि ठंड के कारण खराब बसों को रूट पर नहीं चलाया जा सकता। कोहरे में कई बार एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से खराब बसें होती हैं। ऐसे में अब सड़कों पर वही बसें चलेंगी जिनकी फॉग लाइट, शीशे, छत, वाइपर, रेडियम पट्टी, रिफ्लेक्टेड टेप, बैक लाइट, हॉर्न, फर्स्ट एड बॉक्स आदि सब कुछ ठीक हो। जिन बसों में थोड़ी बहुत दिक्कत है उसे तो ठीक कराया जा रहा, लेकिन जिन बसों में अधिक समस्या है उसे कंडम घोषित करते हुए रोडवेज के बेड़े से बाहर किया जाएगा। इसके लिए अनुबंधित बस मालिकों को भी नोटिस दिया गया। खराब बसों को किसी भी हाल में रूट पर नहीं जाने दिया जाएगा। उसमें युद्ध स्तर पे काम हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात थी जो हुआ करती थी पुराने समय में। अब मुख्यालय स्तर से भी इस पे काफी कड़ाई है और आपके नॉर्मली जिस तरह के बात बोली जाती है, अगर एन रूट कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर कहीं पर टूट गया कुछ बी रूट की वजह से, तो उसको तुरंत रिप्लेस करने की वो है। अदरवाइज जो ऐसे कोई समस्या है, रूट से कोई शीशा टूट के आता है, तो उसको लगा दिया जा रहा। ऑल वेदर बल्ब सभी गाड़ियों में उपलब्ध है, रेट्रो फिटेड आपके जिन गाड़ियों को अभी 11 तारीख तक तो अभियान के तहत आपको देखा जा रहा है कि बस अड्डों पर अगर कोई ऐसी गाड़ी पाई जाती है तो उसको नोटिफाई करें संबंधित फोरमैन, उसको 24 घंटे के अंदर या फिर 7 दिन के अंदर आपको करके वो बताएगा मिनिमम। सर वो अमाउंट रहता है कि बसों के अंदर डॉक्टर किट होता है, लेकिन जितनी प्राइवेट सर आपकी गाड़ियाँ रुपए बसों उसमें सर मैं इससे पहले एक महीने पहले ये था कि एक्सपायर्ड हो गया था या फिर वो नहीं कई शुरुआत में थी, तो उसमें जितनी गाड़ियाँ थी उसको किट के माध्यम से ही दिया जा रहा है, जो आपके बैग वाइज में ही वो किट उपलब्ध करा दी गई है। जो आप डॉक्टर उसको फर्स्ट एड किट बोलते हैं, आपको फर्स्ट एड किट उसमें जा रही है। अग्निशमन यंत्र भी बताया जा रहा है कि अग्निशमन यंत्र यहाँ पर रख रहा है और भी जो बेसिक कम्युनिटीज़ हैं वो उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। कंडक्टर के माध्यम से उनके बैग में ही इशू करा जा रहा है कि कोई दिक्कत ना हो, ये किसी की देनदारी ना रहे कि ये लेके जाएंगे या फिर ये लेके जाएंगे। स्टैंड चालू हुआ है, जब से बस स्टैंड चालू हुआ है नया वाला,
एक साल तक केवल पानी जो वाटर वाला नया लगा हुआ है दो रुपए डालने के बाद वाटर मिल जाता था, वाटर एटीएम वाला, वो बस एक साल चला, उसके बाद अब तक वो बंद पड़ा हुआ है, तो उस पर क्या कहना आपका है? वाटर एटीएम का अभी ये टेंडर वो हुआ है, इसके बारे में मुझे जानकारी करने दीजिएगा, क्योंकि ये पूरे 5 जगह पे हुआ था जी। तो उसमें अभी कहाँ ये है, क्यों चला, क्यों, क्योंकि ये हमने एक मैसेज दूसरी फर्म को दिया था, उनके स्तर से वो अप्लाई करके वो हमको वेंडर देंगे, उनको जगह हमको लोकेट करके देना है, तो कहाँ पर वो हुआ है उसके बारे में पता करके मैं आपको। कैंपस के अंदर है, घुसते ही साइड राइट साइड में दूसरे, यहाँ सर कोई हैंड पाइप रोडवेज बस के अंदर कोई हैंड पाइप नहीं पानी पीने का? हैंड पाइप नहीं, लेकिन आपका जैसे ही जाएंगे नीचे इस पे वो पानी आरोप वाटर का वो है सप्लाई है, दो टोटी है आपकी, वहाँ पर पानी की व्यवस्था रहती है। नहीं तो भी आरो लिखा हुआ है वो तो ठीक है, लेकिन जो आरो फैसिलिटी है वो दिखने को टोटी लगी हुई है, वो आरो का ऊपर सिस्टम है, उसी से काम उससे होते हुए आता है। एक ये है मैसेज, इन्हीं के द्वारा वो सिस्टम बनाया जाता है। दो तरह के थे, एक वाटर एटीएम का था, वाटर एटीएम में वो 2 रुपए लीटर देता है पानी, वो आपको एक दूसरी फर्म के थ्रू हम लोगों ने अधिकृत किया था, वो ले आके लगाएंगे। तो यहाँ पर क्रियान्वित नहीं है अभी किसी भी एक, मेरे यहाँ बलिया में क्रियान्वित है और मऊ में भी विवादित हो चुका है, यहाँ पर तो चल ही नहीं रहा था, तो किस वजह से नहीं, तो उसके बाद वहाँ से फर्म कोई नहीं ली हुई है, उसको भी देख के करवाना है, वो जनता के लिए काफी इजी है, उसका मेन पर्पस यही था कि आपको स्वस्थ पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं इजीली अवेलेबल रहे। सरकारी गनर की चाहत में बसपा नेता बुरी तरह से फंस गए, पुलिस रंगदारी मांगने की झूठी सूचना के आरोप में मुकदमा दर्ज कर तलाश कर रही है। इस मामले में पुलिस ने उनके विद्यालय से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल बसपा टिकट पर जौनपुर जिले के जफराबाद विधानसभा सीट से चुनाव लड़े वरिष्ठ नेता डॉक्टर संतोष कुमार मिश्रा जिले में संचालित कई शिक्षण संस्थानों के प्रबंधक हैं। उन्होंने 9 दिसंबर को पुलिस को बताया कि आज उनके मोबाइल नंबर पर किसी अज्ञात अपराधी द्वारा 10 लाख रुपए की मांग की गई थी तथा न देने पर जान से मार देने की धमकी दी गई। सूचना पर पुलिस तत्काल हरकत में आई और संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा घटना का अनावरण हेतु थाना प्रभारी गंभीरपुर सर्विलांस व एसओजी टीम को निर्देशित किया गया। विवेचना के क्रम में मोबाइल नंबर का सीडीआर व कैफ के अवलोकन से वो गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ में जानकारी हुई कि बसपा नेता डॉक्टर संतोष मिश्रा द्वारा सरकारी गनर प्राप्त करने हेतु अपने विद्यालय के कर्मचारी संदीप सिंह पुत्र राम सेवक सिंह निवासी शादीपुर थाना बरदा व राहुल त्रिपाठी और सिक्की पुत्र कृष्णकांत त्रिपाठी निवासी गड़ौली थाना देवगांव को पैसे व अपने विद्यालय में उच्च पद पर नौकरी देने के लालच देकर साजिश एवं षड्यंत्र के तहत फर्जी ढंग से रंगदारी मांगने हेतु फोन करवाया गया था, जिससे कि उसके सरकारी गनर प्राप्त हो सके तथा उसके संबंध में फर्जी अभियोग पंजीकृत कराया गया था। चूंकि यह घटना बसपा नेता द्वारा षड्यंत्र करके सरकारी गनर प्राप्त करने हेतु रची गई थी, जिस कारण पुलिस ने झूठी सूचना व षड्यंत्र करने के संबंध में बसपा नेता डॉक्टर संतोष कुमार मिश्रा व संदीप सिंह और राहुल त्रिपाठी पर मुकदमा दर्ज कर दिया। पुलिस ने घटना में संदीप सिंह व राहुल त्रिपाठी को पूछताछ के दौरान ही सोमवार की शाम 5:30 बजे MSD पॉलिटेक्निक कॉलेज बालपुर के पास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब बसपा नेता को तलाश कर रही है। थाना गंभीरपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 408/22 धारा 195 व 120B का संतोष कुमार मिश्रा, संदीप सिंह व राहुल त्रिपाठी के विरुद्ध कायम किया गया है। संतोष कुमार मिश्रा एक स्कूल के प्रबंधक हैं व इनके द्वारा 9 तारीख में पुलिस को सूचना दी गई थी कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनसे 10 लाख की रंगदारी मांगी गई है। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा 386 IPC का मुकदमा कायम किया गया था। पुलिस ने जब इसकी छानबीन करी तो ये प्रकाश में आया कि सरकारी गनर पाने के लिए संतोष कुमार मिश्रा द्वारा अपने ही कर्मचारी और परिचित व्यक्तियों से अपने आप को फ़ोन कराया गया था। इस प्रकरण में संदीप सिंह व राहुल त्रिपाठी की गिरफ्तारी की गई है और शीघ्र ही संतोष कुमार मिश्रा की भी गिरफ्तारी की जाएगी। आजमगढ़ में कांग्रेस पार्टी की प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा मऊ जनपद बॉर्डर से सठियाओं से होती हुई मंगलवार को आजमगढ़ शहर पहुंची, जहां कलेक्ट्रेट क्षेत्र में डॉक्टर अंबेडकर पार्क में बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया तथा श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस के स्थानीय नेता व कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला। प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी ने कहा कि जब से देश में भाजपा की सरकार आई तभी से समाज में नफरत का बीज बो दी है और लोगों में वैमनस्य की भावना बढ़ गई है।
भाईचारा खत्म हो रहा है, इसी को खत्म करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं, हालांकि आने वाले समय में इसका असर चुनाव पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यात्रा कुशीनगर से 5 दिन पहले निकली थी और 20 तक जारी रहेगी। जनवरी के पहले हफ्ते में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा प्रदेश में पहुंचेगी। ये एक व्यक्ति की यात्रा नहीं बल्कि देश की यात्रा है। लोगों की आवाज दबाई जा रही है, जनता से सीधे जुड़ने के लिए ये यात्रा निकली है जिसमें जनता से मुद्दे हैं। भारत जोड़ो यात्रा है, आप जानते हैं जब से ये देश और प्रदेश की सरकार बदली है और तभी से समाज में जो इस तरह का नफरत का भावना है, आपस में भाईचारा खत्म हो रहा है, पुनः भाईचारा स्थापित करने के लिए, भारत जोड़ने के लिए ये यात्रा है। राहुल जी निकले हैं यात्रा, लेकिन कितना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है जहां जहां भी यात्रा गई है? ये मीडिया के आप बंधु हैं, मुझसे बेहतर आप जानते हैं, आप लगातार कवरेज देख रहे होंगे, आप लोग खुद भी जानते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से आप लगातार देख रहे हैं। हम लोग जो देख रहे हैं यात्रा का, अब ये आंदोलन का रूप बदल चुकी है और यात्रा अब एक व्यक्ति की यात्रा नहीं, इस देश की यात्रा हो गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जैसे देखा गया कि अभी विधानसभा चुनाव में सफलता नहीं मिल पाई पार्टी को, तो किस तरह से इस यात्रा एक मजबूत स्तंभ साबित होगी? देखिए, चुनाव में हार जीत ये तो हर राजनीतिक दल के साथ लगा रहता है। ठीक है, कोई कारण रहा होगा, हमारे पार्टी को वोट नहीं मिला और हम नहीं सफलता पाए, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी पार्टी ने राजनीति या चुनाव से बंद कर दे। ये यात्रा चूँकि समाज में फैले हुए नफरत को ख़त्म करने के लिए निकली है, इसको चुनाव से जोड़ के मत देखिए, लेकिन इसका असर ज़रूर होगा आने वाले समय में, आपको दिखेगा जो आज हिमाचल से लेकर वहाँ तक दिख रहा है, ये इस यात्रा का भी असर है। इसमें यात्रा में मेन महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दे आप लोग उठा रहे हैं? हर जगह महंगाई और बेरोजगारी दो मुद्दों को लेकर यात्रा आगे बढ़ रही है, उस पर हम लोग अपनी पूरी बात जनता के बीच में रख रहे हैं। आप लोगों को गुजरात में सफलता नहीं मिली उम्मीद के मुताबिक, यात्रा का उसमें क्या मानते हैं? राहुल जी गए भी नहीं, हिमाचल भी नहीं गए, यात्रा में ज़्यादा समय दे रहे हैं आपकी पार्टी? चूँकि यात्रा उन्होंने उस पूरे भारत के दक्षिण से लेकर उत्तर तक हर व्यक्ति तक समझने का प्रयास कर रहे हैं, वहाँ तक जाने का उन्होंने प्रयास किया। और आप जानते हैं कि ये लोकतंत्र में जब आदमी की आवाज़ दबा रही हो और मीडिया के बंधु भी साथ ना दे रहे हैं, तो नेता का तो कर्तव्य बनता है ना जनता के बीच में जाकर अपनी बात रखे, तो राहुल जी अपनी बात रख रहे हैं जाकर जनता के बीच में। उत्तर प्रदेश में यात्रा का नेतृत्व आप कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में यात्रा निकल रही है, प्रादेशिक यात्रा है, हम कुशीनगर से निकला हूँ, आज आपके बीच में 5वां दिन हूँ और आने वाले 20 तारीख तक इस यात्रा को समाप्त करें, क्योंकि फिर राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश में जनवरी के पहले हफ्ते में आ रहे हैं, हम सब लोग उनके साथ में शामिल होने के लिए यहाँ से फिर जाएंगे। डिबार हुए विद्यालय यूपी बोर्ड की परीक्षा में केंद्र बना दिए गए, ऐसे में परीक्षा की स्वच्छता पर सवाल उठने लगे हैं। नकल पर पूरी पाबंदी लगाने को संकल्पित माध्यमिक शिक्षा विभाग इस पर अंकुश कैसे लगा पाएगा? ये प्रश्न चिन्ह स्वच्छता व पारदर्शिता की चाहत रखने वालों के जहन में कौंध रहा है। जी हां, वर्ष 2022 के जनवरी महीने में आजमगढ़ की पुलिस ने टीजी की परीक्षा में नकल गैंग का खुलासा करते हुए इसमें जनपद के कई विद्यालयों के शामिल होने का खुलासा किया था और विद्यालयों के प्रबंधकों व कर्मचारियों को गिरफ्तार किया था। वहीं गैंग में शामिल अन्य लोग भी गिरफ्त में आए थे। इसके बाद दागी विद्यालयों की मान्यता पर भी तलवार लटक गई थी, लेकिन 11 महीने बाद इन्हीं में से कुछ विद्यालयों को अगले वर्ष होने वाली यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा में एक बार फिर से सेंटर बनाने का काम विभाग ने कर दिया। दीवानी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दयाराम यादव ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि आखिर 11 माह के अंतराल में इन दागी विद्यालयों में ऐसा कौन सा शुचितापूर्ण कार्य कर दिया कि उनको फिर से केंद्र बना दिया गया, जबकि जो बिना दाग के और शुचितापूर्ण विद्यालय संचालन कर रहे हैं उन कॉलेजों को इसमें शामिल नहीं किया गया। हालांकि विभाग ने 14 दिसंबर तक इसमें आपत्ति मांगी है। टीटी मामले में कई स्कूलों पर इल्जाम लगे थे और उनके निरस्तीकरण का हुआ था, तो क्या फिर क्या उसमें कार्रवाई हो रही है? उसमें तो अभी वो जो मुकदमे कायम हुए थे विद्यालयों पर या प्रबंधकों पर, वो मुकदमा भी विचाराधीन है, लेकिन यहाँ जिला विद्यालय निरीक्षक से जो दागी विद्यालय थे जहाँ पर नकल करते हुए पकड़े गए थे विद्यालय और प्रबंधक, उन विद्यालयों को भी यह सेंटर बनाने वालों की लिस्ट में सूची में उनका नाम भेज दिया गया और वैसे दागीदार विद्यालय भी सेंटर बना दिए गए हैं। तो इस पर क्या कार्रवाई हो रही है? इस पर कार्रवाई यही होनी चाहिए कि ये जो दागी विद्यालय हैं, इन विद्यालयों को यूपी बोर्ड इलाहाबाद की परीक्षा में सेंटर न बनाया जाए। अगर सेंटर बने हैं तो इनके सेंटर को जिला विद्यालय निरीक्षक को अपने स्तर से तुरंत इनको निरस्त कर देना चाहिए। कोई आपत्ति अभी इसके लिए पड़ी है? 14 तक वे आपत्ति मांगे हैं। वो आपत्ति इसलिए मांगे कि जिन विद्यालयों का
सेंटर नहीं बनाया गया है, जो दागीदार नहीं है वे विद्यालय सेंटर की लिस्ट में नहीं है, उनसे आपत्ति मांगी गई है कि आपको क्यों मतलब क्यों न बनाया जाए। मंगलवार को समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर नेताओं और कार्यकर्ताओं का निकाह चुनाव के संबंध में जमावड़ा लगा रहा है, जहां एक तरफ दूसरे दलों के लोग समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले रहे थे तो वहीं और लोग समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बनने के लिए अपने कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों के साथ आकर के आवेदन कर रहे थे। निवर्तमान जिलाध्यक्ष वलदार यादव के समक्ष फूलपुर नगर पंचायत के बहुजन समाज पार्टी के नेता निखिल जायसवाल ने जहां समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की तो वहीं नगर पालिका परिषद आजमगढ़ के अध्यक्ष पद के लिए समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बनने के लिए सरफराज आलम उर्फ मंसूर भाई ने भी अपने बड़े लाव लश्कर के साथ आकर के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर निवर्तमान जिलाध्यक्ष के समक्ष अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। इस अवसर पर पत्र प्रतिनिधियों से सवाल पूछने पर सरफराज आलम मंसूर ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार बनाती है तो समाजवादी पार्टी के संगठन और नेताओं के बल पर निश्चित ही इस बार नगर पालिका परिषद आजमगढ़ में साइकिल दौड़ेगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से नगर पालिका परिषद में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, सपा सरकार के कार्यकाल के बाद विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं, कोई सरकारी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, आए दिन नगर वासियों के वाहनों का चालान हो रहा है, बंदरों का आतंक है, इन सब से निजात दिलाने के लिए ही मैं अपनी उम्मीदवारी कर रहा हूं। इसके साथ ही साथ नगर पंचायत माहुल के नसीम अहमद, नगर पंचायत मार्टिनगंज से राम सकल यादव, जहानागंज से राम वृक्ष यादव आदि ने भी अपने आवेदन पत्र जमा किए। कार्यालय पर कमलाकांत राजभर, विधायक दीदारगंज विवेक सिंह, मुशीर अहमद, इसरार अहमद, जुरार खान, आबेद आसिफ, अनिल यादव, निशांत राय, गिरीश यादव, वीरेंद्र यादव आदि मौजूद रहे। हमको जिस तरीके से स्ट्रेटजी तैयार करके देगी, हम उस पर अपनी 100% एफर्ट लगाने की पूरी कोशिश करेंगे और बाकी संगठन के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं सबसे सलाह मशवरा करके पूरी मेहनत करने की कोशिश की। एजेंडा हमारा ये है कि जितनी भी हमारी नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत जितनी भी ये असुविधाएं फैली हुई हैं, जितनी ये गंदगी सभी जो, तो मैं व्यक्तिगत बहुत परेशान उससे हूँ, शायद इसी वजह से लोगों ने उत्साह बढ़ाया, अपने पार्टी के लोगों ने कहा तो इस पर मैं बहुत आसानी से कन्विंस हो गया कि ये मुझे करना है। पार्टी का उत्साह इस वक्त बहुत ही जोर शोर में है और मुझे भी बहुत ही इन लोगों ने बूस्ट किया है और मैं अपनी और अपनी पार्टी की जितनी भी कुव्वत सलाहियतें हैं उसको पूरी तरीके से इस्तेमाल में लाने के बाद और इस बार किसी भी बुनियाद पे आजमगढ़ नगर पालिका परिषद का चुनाव समाजवादी पार्टी के बैनर तले जीत के ही दिखाया जाएगा। ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था, अगर वो इस तरीके की कोई बात होती तो नतीजे कुछ इर्द गिर्द नहीं होते, होता होगा कुछ समीकरण का कुछ खेल होगा, हमें नहीं पता इसका, लेकिन माइनॉरिटी ने ऐसा नहीं किया, ये मैं इस बात से सहमत हूँ। बिल्कुल 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 इस बात से लिए बिल्कुल हमें पूरा एतबार इस बात का और सभी लोगों के उत्साह से, सभी लोगों के सपोर्ट से ही ये फैसला लिया गया है और संगठन शायद हम पे विश्वास के लोग रहेंगे, सब वर्ग के लोग साथ में हमारे दल बल, हाँ सभी लोगों सभी वर्गों को लेके चुनाव लड़ा जा रहा है। मोती महल डीलक्स सेंट्रल बैंक बिल्डिंग सरावर्ती चौक आजमगढ़। साउथ इंडियन डिशेज अवेलेबल, 7 टाइप्स ऑफ डोसा, छोले भटूरे, बर्गर, पास्ता, रैप्स एंड रोल्स, मटका बिरयानी, फ्री तंदूरी ब्रेड्स इन लंच आर। वी आर अवेलेबल फॉर किटी, बर्थडे, एनिवर्सरी, कॉर्पोरेट पार्टी, फेयरवेल पार्टी एंड आउटडोर केटरिंग। फ्री होम डिलीवरी। मटका बिरयानी हैज स्टार्टिंग चंपारण वेरी सून। वैलेट पार्किंग अवेलेबल। मोती महल डीलक्स सेंट्रल बैंक बिल्डिंग सदावर्ती चौक आजमगढ़। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, आपकी खुशियों में लगाए चार चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़।
हवरनाथ आजमगढ़ अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोर माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए चार चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़।